हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस के अंदर। आज मैं लेके आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे नाउन। तो शुरू करते हैं नाउन। आज हम नाउन के अंदर व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार है और उसके उदाहरण एग्जाम्पल्स के साथ नाउन को कंप्लीट करेंगे। तो नाउन को आप हिंदी में जानते हो संज्ञा, ये तो आपको पता ही है। नाउन को हिंदी ग्रामर के अंदर हम संज्ञा कहते हैं। तो नाउन क्या है, नाउन क्यों यूज़ होता है, उसको जानने से पहले हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच माने कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस या वाक्य जो हम बोलते हैं, वो हो गया स्पीच। अब स्पीच के अंदर अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उन्हीं को मिलाकर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बनती है, जिसके अंदर ग्रामर के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो वाक्य है उसके अंदर पूरा सेंस होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊं तो आप जानते होंगे कि नमकीन चावल होते हैं, उसको बनाने के लिए हमें चावल की ज़रूरत पड़ेगी, वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, मसालों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम कलर डालना चाहें तो कलर, और ड्राई फ्रूट्स, इन सब चीज़ को मिलाकर, इन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हम नमकीन चावल बनाते हैं। अब नमकीन चावल, इन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हमने नमकीन चावल बनाया, तो इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे हमको। तो उन इंग्रेडिएंट्स के नाम हमने ग्रामर के अंदर दिए हैं, वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो इन 8 इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं। तो टेक्निकल मैन, आप प्लीज़ दूसरा पेज जाइए। तो नया पेज आ गया है, थैंक यू टेक्निकल मैन। तो अब हम आते हैं नाउन के ऊपर। तो नाउन क्या है, नाउन की डेफिनेशन हम बचपन से ही जानते हैं, बचपन से हमारी ये नाउन की डेफिनेशन रटी हुई है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। नाउन क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये है हिंदी में डेफिनेशन आपको समझने के लिए। तो किसी भी पर्सन या व्यक्ति, स्थान और थिंग के नाम को जो बोध कराता है, जो बताता है कि ये सब ये चीज़ें हैं, उनको नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी चीज़, किसी की चीज़ का नाम नाउन है। पूरी दुनिया में अगर देखें, हम अर्थ में देखें कि तीन ही चीज़ है, या तो कोई व्यक्ति होगा, या कोई स्थान होगा, या कोई चीज़ होगी। तो चीज़ के अंदर कुछ भी, जैसे कि ये बोर्ड, ये वाइट कलर का बोर्ड है जो आपको दिख रहा है, ये एक थिंग है, तो ये नाउन है। जो ये मार्कर मेरे हाथ में है, ये मार्कर, ये भी एक थिंग है। कैमरा जो मुझे शूट कर रहा है अभी, कैमरा, ये भी नाउन है। एनी फीलिंग्स जो भी है, नफरत, प्यार, ईर्ष्या, घृणा, जो फीलिंग्स है, जो हम बोल एक नाम के तौर पे यूज़ हो रही है, तो वो नाउन है। और जो ये रूम है जो मुझे शूट कर रहा है, और या चाहे रूम है जिसके अंदर मेरी ये शूटिंग चल रही है, या फिर स्टूडियो का हो, ये भी एक क्या है, थिंग है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर, जैसे कि अब मैं बता दूँ पर्सन के, जो ये व्यक्ति के तौर पर, जैसे कि अक्षय कुमार क्या है, एक नाम है, पर्सन का नाम है, जो कि एक नाउन है। आप जो मुझे देख रहे हो वो भी एक नाउन है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी एक नाउन है। स्थान के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान एक स्थान है, जहाँ हम फिलहाल राजस्थान में हैं, तो ये राजस्थान एक जगह का नाम है, जो क्या है, नाउन है। किसी भी चीज़ के नाम नाउन कहलाता है।
ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नाउन क्या है, एक नाम है, नाम नाउन है, तो हम कह सकते हैं नाउन इज इक्वल टू नेम। तो ये हो गया। मैंने पहले एक एग्जांपल बताया था स्टार्ट होने से पहले कि नमकीन राइस, नमकीन राइस के अंदर हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं कि नमकीन राइस के अंदर सबसे ज़्यादा राइस है, तो चावल है, अपने जो राजस्थान भाषा में हम कहते हैं चरका चावल, चरका चावल के अंदर हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं राइस। अब राइस के मतलब चावल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उसी प्रकार ग्रामर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो सबसे ज़्यादा सबके सामने आता है वो है नाउन। किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य के अंदर हम अगर जोड़ें, देखें, तो हमें नाउन ही दिखेगा सबसे ज़्यादा। तो ये है नाउन। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहे। पिछले 2 वीडियो में आपने खूब सारा प्यार दिया, लाइक किया, सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और औरों के पास भी पहुँचाओ, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो लाभ उनको मिले। टेक्निकल मैन, नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज आ चुका है। अब हम पहुँच चुके हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन आपको मुख्य तौर पे हमें पता है कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के 2 सब पार्ट्स और होते हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे, वो है काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल नाउन। तो आज का हमारा पहला अभी नाउन है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, अब इसकी डेफिनेशन हम जानते हैं, डेफिनेशन के थ्रू हम जानते हैं कि कॉमन नाउन क्या है, और उसके एग्जांपल्स के हिसाब से भी हम जानते हैं कि कॉमन नाउन क्या है। इट इज़ दी कॉमन नेम, अब यहाँ पर देखो, कॉमन नेम गिवन टू ए पर्सन, आइटम और ए थिंग। अगर किसी पर्सन थिंग को हम एक सामान्य नाम दे दें तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है, कॉमन नाउन के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि कॉमन नाउन इट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल वर्ड्स। अगर कॉमन नाउन का कोई शब्द है, कॉमन नाउन कोई शब्द आपको दिख जाए, अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो हमें उसे कैपिटल वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम उसके एग्जांपल आते हैं कि कॉमन नेम पर्सन आइटम और थिंग को क्यों दिया गया है। जैसे कि अब आप देख रहे हो कि बॉयज़, लड़के, अब लड़के हैं तो लड़के क्या कॉमन हो गया सारे लड़कों में से? अब ये तो कह नहीं सकते कि वो भी लड़का ये भी लड़का, सारे के नाम तो होगा, उन सब के नाम तो होंगे सारों के। तो अब लड़कों को हमने कह दिया कि ये ग्रुप ऑफ बॉयज़ है, जो भी है उनको हम कह दिया ये बॉयज़ है। अब जितने भी शहर हैं सब शहरों के अलग अलग नाम हैं, तो हमने उनको कॉमन नेम दे दिया सिटी। यूट्यूब चैनल, जो अब आप अभी ये चैनल देख रहे हो, इस चैनल का तो नाम है नवजीवन क्लासेस, तो ये तो एक प्रॉपर नाउन हो गया, कि ये इसका प्रॉपर नेम हो गया कि ये नवजीवन क्लासेस है, तो ये हमको पता चलेगा कि हाँ भाई एक नवजीवन क्लासेस है, तो ये प्रॉपर नेम है एक चीज़ क्लास का। तो अब यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर कितने भी चैनल हो सकते हैं, बहुत सारे चैनल है यूट्यूब के अंदर, भरा भरा पड़ा है यूट्यूब चैनलों से। अब टीचर हो गया, जैसे कि मैं हूँ एक टीचर, मेरा नाम कन्हैया लाल है, तो मेरा कन्हैया लाल एक प्रॉपर नेम हो गया। जो पिछले 2 वीडियो में आपने देखा होगा, भैरव सिंह है, सुमित सिंह है, उनके वो प्रॉपर नेम है। अब हम तीनों के लिए जो कॉमन नाम हुई होगा वो होगा टीचर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉमन नाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। इट इज़ दी, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इट इज़ दी अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। ये हम कॉमन नाउन के पूरा ही विपरीत है, उल्टा है, जैसे कि मिरर होता है। ए प्रॉपर नाउन रेफर्स टू दी स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और ए थिंग। मतलब प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक नेम है, मतलब उसको नाम दे दिया कि अब यहाँ पर ये लाइट है, पंखे हैं, तो पंखा है तो उसको पंखा नाम दे दिया, तो ये प्रॉपर
मतलब एक स्पेसिफिक नाम दे दिया किसी चीज़ को, जैसे पर्सन है, मेरे को एक स्पेसिफिक नाम मिला हुआ है, मेरे जन्म से ही मेरे को नाम मिला कन्हैया लाल, तो अब मैं कन्हैया लाल नाम से ही जाना जाता हूँ, कहीं पे जाता हूँ तो मैं किसी लड़के के नाम से नहीं जाना जाता हूँ। तो मेरे को एक स्पेसिफिक नाम मिल गया पर्सन के अंदर, और स्थान है जैसे कि अब राजस्थान है, तो हम राजस्थान में रहते हैं, तो हमें एक स्पेसिफिक स्थान मिला है कि हम राजस्थान के अंदर इस जिले में यहाँ या शहर में रहते हैं। और थिंग्स के अंदर थिंग्स को भी एक प्रॉपर नाम ले जाए, टेबल है तो ये टेबल ही रहेगी, अब इसको हम और कुछ नहीं बोल सकते। अब अपन को पता है कि एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है टेबल, तो हम इसको टेबल ही बोलेंगे। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊँ, जैसे लेटेस्ट अभी सुशांत सिंह है, ये एक प्रॉपर नेम है, सुशांत सिंह एक एक्टर था, बहुत ही बेस्ट एक्टर रहा गया, वो उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सुशांत सिंह एक प्रॉपर नेम है। अब बाद में क्रिकेट, अब क्रिकेट एक प्रॉपर खेल का नाम है, खेल तो बहुत सारे, अगर मैं यहाँ पर लिख देता गेम्स तो ये हो जाता कॉमन नाउन, और यहाँ पर अब क्रिकेट है तो एक स्पेसिफिक गेम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब लेटेस्ट ही पबजी था जो भी बैन हुआ, वापस चालू हुआ, बहुत ही लफड़ा हुआ इस चीज़ के अंदर पबजी। अब ये पबजी है क्या, ये मोबाइल गेम है, अब ये प्रॉपर मोबाइल गेम है। अब गेम्स के अंदर तो बहुत कुछ भी होता है, प्ले स्टोर में बहुत सारे गेम्स है, तो प्रॉपर एक पबजी गेम है। विनोद, अभी विनोद भी बहुत ट्रेंडिंग कर रहा था, विनोद एक प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम है, COVID-19 जो हम इस महामारी से बहुत ही तकलीफ़ पा रहे हैं, इस महामारी से बहुत ही तकलीफ़ पहुंची है सभी जनों को। और इंग्लिश, इंग्लिश जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये प्रॉपर एक सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश। तो प्रॉपर नाउन के अंदर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, बिगनिंग्स, इसकी जो बिगनिंग होती है प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन शब्द को हम हमेशा कैपिटल में ही लिखेंगे। और प्लेस, इसकी जो प्लेस होगी वो हमेशा ही सेंटेंस कहीं पर भी हो, मतलब सेंटेंस में इसकी प्लेस कहीं पर भी हो प्रॉपर नाउन की, हमेशा वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा। तो टेक्निकल मैन, नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज आ चुका है, तो हमारा तीसरा नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। अब उसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, दे आर दी नेम गिवन टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। अब कलेक्टिव नाउन में ये है कि हम किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी आदमियों के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनिमल के ग्रुप्स, जानवरों के ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उस चीज़ को रिप्रेजेंट, उसका बोध करवाता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच गुच्छा, गुच्छा अंगूर के गुच्छे को हम कलेक्टिव नाउन के अंदर रखेंगे। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, गैंग, कमिटी एक्सेट्रा। अब आप यहाँ कहोगे कि ये क्लास तो एक कॉमन नाउन के तौर के ऊपर है, क्योंकि क्लास तो बहुत सारी होती है, नाइन्थ होती है, टेंथ होती है, हाई लेवल की क्लास होती है, लो लेवल की क्लास होती है, तो अब ये क्लास क्या कर रहा है, इस क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं उसको बोध करवा रही है, तब यहाँ पर हम क्लास एक ग्रुप के तौर पर यूज़ की जा रही है कि यहाँ पर एक क्लास है, इतने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और गैंग और कमिटी, ये हो गया कलेक्टिव नाउन्स। अब नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम अब पढ़ेंगे डेफिनेशन। इट इज़ समथिंग विच यू कांट सी, ना ही देख सकते हो, टेस्ट ना ही उसको टेस्ट कर सकते हो, ना ही सुन सकते हो हियर, ना ही टच कर सकते हो, ना उसको छू सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें ये बताना चाहता है कि किसी भी चीज़ को ना ही हम ना ही तो हम देख सकते हैं, ना ही हम सुन सकते हैं, ना ही उसको खा सक मतलब उसका टेस्ट पहचान सकते हैं, ना ही उसका स्वाद पहचान सकते हैं, ना ही उसको छू सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे कि जैसे कि प्यार, अब प्यार को कोई हम ना ही तो देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं हम, और नफ़रत, हेट, एंगर, जॉय, खुशी, डिज़ायर, चाहत एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये सब कॉमन
ये सब नाउन तो है, अपन उनको अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया, जैसे कि फीलिंग के या इमोशन के तौर पर नाम दे दिया, यहाँ पर ग्रुप के तौर पर कलेक्टिव नाउन दे दिया, कॉमन के हिसाब से कॉमन नाउन दे दिया, प्रॉपर के हिसाब से प्रॉपर नाउन दे दिया कि ये चलो ये प्रॉपर नाउन है तो इसको प्रॉपर नाउन दे देते हैं, ये ग्रुप है तो इसको कलेक्टिव नाउन दे देते हैं, ये इमोशनल्स फीलिंग्स के हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे दिया। ठीक है, तो टेक्निकल में नेक्स्ट पेज। तो दोस्तों अब हम नाउन के टाइप्स के अंदर अब आ चुके हैं, हम लास्ट टाइप मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की डेफिनेशन है, दीज आर द नेम्स गिवन टू द मटेरियल्स सब्सटेंस और थिंग्स मेड अप ऑफ समथिंग। मतलब किसी भी चीज़ का नाम दिया गया, किसी भी चीज़ के या फिर कोई सब्सटेंस हो चुके या फिर कोई चीज़, मतलब किसी भी चीज़ जो किसी भी चीज़ से बनी हुई है उसको नाम दिया हुआ है तो हम उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हवा, हवा डस्ट पार्टिकलों से बनी हुई है, धूल मिट्टी से, क्लोथ ऊन से बनी हुई है, कॉटन से बनी हुई है, मेटल्स धातु गोल्ड सोना डायमंड हीरा ग्लास कांच, ये सब किसी ना किसी पार्टिकल से बने हुए हैं तो हम उसे कहेंगे मटेरियल नाउन। ऐसे वर्ड्स या ऐसे वर्ड्स हमें दिख जाए कहीं पर भी तो हम उसे मटेरियल नाउन के तौर पर ही पहचानेंगे। तो अब मटेरियल नाउन के अंदर उसके सब पार्टिकल्स हैं, वो दो सब पार्टिकल्स, एक तो काउंटेबल नाउन, एक है तो एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसे हम नहीं काउंट कर सकते, जो हम गिन नहीं सकते। तो काउंटेबल है दोज नाउन विच कैन बी काउंटेड, जो हम नाउन है उनको हम काउंट कर सकते हैं। एप्पल एग्जाम्पल हो गया, पेन बॉटल, कमेंट्स जो आपको करने हैं, कमेंट्स जो हम गिनेंगे कितने कमेंट्स हैं, और लाइक वो भी हम देखेंगे, शेयर जो भी आपको करना है, सब्सक्राइब ये सब क्या हम काउंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब भी आप करोगे तो हम गिनेंगे कि कितने सब्सक्राइबर हो गए, और हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें अपने दोस्तों में। तो ये तो हो गया काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, और दूसरा सब पार्ट है वो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में है दोज नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड, दोज नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड, जैसे कि हो गया मिल्क राइस वाटर शुगर एक्सेट्रा। और हमारा जो ज्ञान है वो हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते कि अपने पास कितना ज्ञान है, मिल्क हो गया दूध चावल वाटर शुगर एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये था नाउन और उसके प्रकार। तो आज हमने इस वीडियो में नाउन और उसके प्रकार को डिसाइड किया आपके साथ, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी ये ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलती रहे। धन्यवाद।